फिल्म के शुरुआत में हमें साल 1965 के फ्रांस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जोसेफ नाम के चोर को देखते हैं, जिसे कुछ सिपाही पकड़कर कैद खाने में बंद कर देते हैं, क्योंकि अगली सुबह जोसेफ को उसके किए के लिए फांसी दी जानी थी। यहां दो सिपाहियों के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जोसेफ को जब फांसी दी जाएगी तब वहाँ फादर बेन नाम के पादरी आने वाले थे, ताकि जोसेफ उनके सामने अपने गुनाहों को कबूल करके भगवान से इसके लिए माफी मांग सके। दरअसल फादर बेन के बारे में कहा जाता है कि 10 साल पहले उन्होंने एक बड़े वेयरवुल्फ को अपने छोटे से क्रॉस से मार दिया था। जो बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस कहानी की वजह से फादर बेन की सभी बहुत इज्जत करते हैं। इसी बीच फिर एक सिपाही दूसरे को जोसेफ पर नजर रखने के लिए कहकर अपने कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाता है। वहीं यहाँ दूसरे सिपाही से जोसेफ उसे पानी पिलाने के लिए कहता है, जिसे वो सिपाही पहले तो पानी देने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब जोसेफ कहता है कि उसे सच में बहुत तेज प्यास लगी है तो वो सिपाही उसे पानी पिलाने के लिए उसके पास जाता है, जिसी मौके का फायदा उठाकर जोसेफ उस सिपाही को मारकर बेहोश कर देता है। और फिर उसके पास से चाबी निकालकर वो किसी तरह से खुद को यहाँ से आजाद करवाता है, जो आखिर में फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है। इस दौरान वो इस राज्य के सिपाहियों से बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिस्टर मॉर्गोट और उनकी साथी लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनमें सोफी और मैरी नाम की दो बहनें भी होती है। दरअसल इस राज्य के लॉर्ड विलियम अपने बेटों और परिवार के लोगों के लिए मॉर्गोट की 10 लड़कियों में से 7 को चुनने वाले थे, पर लॉर्ड विलियम इतनी सारी लड़कियों को किस चीज के लिए चुनने वाले थे ये हमें आगे पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने मॉर्गोट को ये बता रखा है कि वो इन लड़कियों की अपनी दो बेटों और परिवार के बाकी लोगों से शादी करने वाले हैं। वहीं इधर जोसेफ को आगे जाने पर एक जंगल मिलता है, और क्योंकि उसके पीछे अब भी सिपाही लगे हुए थे इसलिए वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, और फिर वो सभी सिपाही उसे ढूंढ ना पाने के कारण वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब जब जोसेफ आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके सामान में जोसेफ को ढेर सारे क्रॉस मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये आदमी एक पादरी था, इसलिए उसके सामान को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से जोसेफ पास ही के एक गांव में पहुँचता है, जहाँ वो हर घर का दरवाजा खटखटाकर देखता है। वो यहाँ अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को पादरी बता रहा था, जिस दौरान उसे घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर प्रवेश करने पर जोसेफ को वहाँ काफी सारा खाना और वाइन दिखाई देता है, और क्योंकि वो भूखा था इसलिए जल्दी से वो सब कुछ खा पी कर वहाँ से निकलने की सोचता है। लेकिन वहाँ से जाते वक्त उसे किसी के आसपास होने का आभास हो जाता है, जिस हड़बड़ी में जोसेफ वहीं गिर पड़ता है, जिस कारण उसके सिर पर चोट लगने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर विलियम अपने दोनों बेटों रिचर्ड और रॉबिन के साथ लड़कियों को चुनने के लिए आता है, जिन्हें चुनने के बाद वो इन सबको अपने साथ अगले दिन उसी गांव में ले जाकर रखने का फैसला करता है, जहां इस वक्त जोसेफ गया हुआ था। दरअसल इनमें से एक लड़की को खांसी आ रही थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उन सभी को सबसे अलग रहने की सलाह देता है, ताकि उसे और उसके बेटों को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। जिसी बीच हम मैरी और सोफी को देखते हैं, जो इन 7 लड़कियों में अपने चुने जाने को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। वहीं इस तरफ जोसेफ को जब होश आता है तो वो खुद को कुछ लोगों के बीच पाता है, जो सब एक साथ यहाँ रहा करते थे, जिनमें एक बुजुर्ग आदमी पीटर और एक महिला अगाता के साथ जैस्पर, टॉम, माइकल और जैक नाम के 4 भाई भी थे। हालांकि इन भाइयों और बुजुर्ग आदमी और महिला के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी साथ में एक परिवार की तरह रहते हैं। अब यहाँ जोसेफ को होश आने पर उसे लगता है कि उसकी जान इन्होंने ही बचाई है, पर असल में ये सभी जोसेफ को पादरी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ उसे शरण दी थी। फिर इसके बाद रात के वक्त जब पीटर इन सभी को वेयरवुल्फ और फादर बेन की कहानियां सुना रहा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है, और इस हमले से पीटर की सभी के सामने मौत हो जाती है, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ जोसेफ पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ जोसेफ अपने बैग में रखे क्रॉस की मदद से उस वेयरवुल्फ को घायल करके वहाँ से भगा देता है। हालांकि इस दौरान वेयरवुल्फ ने उसे भी काट लिया था, जिसे जैस्पर और माइकल अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ भगाता जोसेफ का इलाज करती है। हालांकि ये सभी वेयरवुल्फ के इस हमले से डरे होने के साथ पीटर की मौत से दुखी भी थे।
जिस बीच टॉम को जोसेफ के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें उसे फादर बेन का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे वो सभी जोसेफ को फादर बेन समझने लगते हैं। पर ये सामान तो जोसेफ किसी और का चुरा लाया था, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी असल में फादर बेन था जो कि अब मर चुके है। फिर अगले दिन जब जोसेफ को होश आता है तो अपने उसी बैग को देखने लगता है जिसमें उसे काफी सारे छोटे छोटे धारदार क्रॉस मिलते हैं। साथ ही उसमें उसे एक हथियार भी मिलता है जिसमें इन क्रॉस को फंसा कर किसी को भी मारा जा सकता है, जिससे जोसेफ को ये समझ आ जाता है कि बेन सच में वेयरवुल से लड़ने का काम करते थे, इसलिए उनके पास ऐसे हथियार मौजूद थे। अब इस हथियार को चलाने सीखने के बाद जोसेफ उसे अपने पास ही रख लेता है। फिर बाहर जाने पर उसे सभी फादर बेन कहकर बुला रहे होते, जिन्हें ऐसा करते देख वो भी अपनी सच्चाई उन्हें नहीं बताता। इस दौरान अब जोसेफ को जैस्पर से पता चलता है कि विलियम अपने दोनों बेटों और उन चुनी हुई 7 लड़कियों के साथ यहाँ आने वाले है, क्योंकि उन्होंने इन्हीं लोगों की सुरक्षा और देख रेख में लड़कियों को रखने का फैसला किया था, जिससे सभी उनका इंतजार कर रहे थे। जबकि जैक उन्हें खबर देता है कि विलियम जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। फिर कुछ देर बाद हम विलियम और उसके दोनों बेटों को मॉर्गोट और लड़कियों के साथ वहाँ आते हुए देखते हैं, जिन सबका वहाँ विलियम का भतीजा इंतजार कर रहा होता है। यहाँ मैरी देखती है कि रॉबिन उसकी बहन सोफी को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसके लिए खुश होती है। वहीं विलियम कुछ दिनों के लिए मॉर्गोट सहित सभी लड़कियों को अलग रहने के लिए कहता है, जिसके बाद उन सभी के सेहत की जांच की जाएगी और अगर सब ठीक रहा तब भी उन लड़कियों की शादी विलियम के बेटे और परिवार के बाकी लोगों से हो पाएगी। इसी दौरान टॉम, माइकल, जैस्पर, जैक और अगाथा जोसेफ के साथ मिलकर पीटर के लाश को दफना रहे होते, जहां सभी जोसेफ से पीटर के लिए आखिरी प्रार्थना करने के लिए कहते क्योंकि उनकी नजर में वो एक पादरी था, लेकिन जोसेफ ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। और उसी बीच वहां पर विलियम अपने बेटों के साथ पीटर की मौत पर दुख जताने के लिए आता है, जिसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो सोफी से कहती कि रॉबिन शायद तुम्हें पसंद करने लगा है, इसलिए इससे पहले कि रॉबिन को इनमें से कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तुम उससे जाकर अकेले में मिलो, जहां से फिर मैं तुम्हें रात में लेने के लिए आ जाऊंगी। इसीलिए मेरी सोफी को चोरी से वहां से भगा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ चारों भाई मिलकर जोसेफ को कमरे में कैद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोसेफ को वेयरवुल्फ ने काटा है, इसलिए उनके मुताबिक वो भी अब वेयरवुल्फ में बदलता जा रहा है, क्योंकि जब उसे पीटर के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया तो एक पादरी होते हुए भी वो प्रार्थना भूल गया, इसलिए सब उसे वहीं बंद करके चले जाते। लेकिन रात होने तक जोसेफ किसी तरह से वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो उसे रास्ते में मैरी मिलती है जो अपनी बहन सोफी को ढूंढ रही होती है। यहाँ मैरी की जान को वेयरवुल्फ से खतरा था, इसलिए जोसेफ उसका साथ देने का फैसला करता है, जिसे मैरी सब कुछ बता देती है। जो सब बात जानने के बाद जोसेफ कहता है कि जरूर मैरी अब भी रॉबिन के साथ ही होगी, इसलिए वो उसको समझाता है कि सोफी सुबह तक आ जाएगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि मैरी और जोसेफ एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वहीं बेचारी सोफी को किसी ने कैद करके रखा हुआ होता है। और फिर अगली सुबह हम जैस्पर, जैक और टॉम को पूरे जंगल में माइकल की तलाश करते हुए देखते हैं, जिसकी लाश उन्हें आगे जंगल में मिलती है, जिसकी हालत देखकर ये जाहिर था कि उसे भी वेयरवुल्फ में अपना शिकार बनाया। और दुर्भाग्य से उसे उसी वक्त वहाँ जोसेफ भी आते हुए दिखाई दे जाता है, जिसे देखते ही तीनों समझते हैं कि उसी ने माइकल को वेयरवुल्फ बनकर मारा है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और उनसे बचने के लिए जोसेफ उस जगह घुस जाता है जहां मॉर्गोट बाकी लड़कियों के साथ रुकी हुई थी। यहां जोसेफ मैरी से अपनी सारी सच्चाई बताकर दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करता है, पर आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है, जिसे फिर पकड़कर ऐसे ले जाता देख मॉर्गोट उन तीनों से सवाल करती है कि उन्होंने इस तरह से जोसेफ को क्यों पकड़ रखा है। इसके जवाब में जैस्पर उन्हें सब कुछ बताने के बाद ये कहता है कि आज हम लोग जोसेफ को जिंदा जलाने वाले। जिस बात को सुनकर मॉर्गोट भड़क जाती है, क्योंकि इस राज्य में ऐसे फैसले लेने का सिर्फ राजा के कुछ सिपाहियों को ही है, जो दरअसल वही सिपाही थे जो जोसेफ को पकड़कर उसे फांसी देने वाले थे। यहाँ मॉर्गोट के कहने पर जैस्पर अगाथा को उन सिपाहियों के पास भेज देता है ताकि वो उन्हें लेकर यहाँ आ सके, क्योंकि उनके आने तक ये लोग चाहकर भी जोसेफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अब तक उसे जलाने का पूरा प्रबंध कर लिया था, जिस दौरान वहाँ एक वेयरवुल्फ
आ जाता है जो आती जैक को मार डालता है और जैस्पर को बुरी तरह घायल कर देता है। अब इस मंजर को देखकर टॉम जोसेफ को आजाद कर देता है जो आजाद होते ही फादर बेन का क्रॉस वाला हथियार निकाल लेता है जिसकी मदद से वो उस वेयरवुल्फ को मार गिराता है। और जब ये लोग देखते हैं तो वो वेयरवुल्फ असल में लॉर्ड विलियम का भतीजा निकलता है जिसे देखकर जोसेफ सहित सभी समझ जाते हैं कि लॉर्ड विलियम के भतीजे के साथ उसकी दोनों बेटे भी वेयरवुल्फ हो सकते हैं। इसलिए तीनों मिलकर विलियम के भतीजे की लाश को वहीं जला देते हैं। फिर सुबह होती ही जोसेफ इस गांव से दूर जाने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता था कि वेयरवुल्फ अगर लॉर्ड के बेटे तो कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो यहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो मैरी से मिलकर जाना चाहता था और तभी उससे मिलने के लिए लॉर्ड विलियम का छोटा बेटा रॉबिन आ जाता है जो जोसेफ को रात में खाने पर आने के लिए अपने घर बुलाता है ताकि वो विलियम को उसके और मैरी की शादी के लिए राजी कर सके, जिसके लिए जोसेफ तुरंत मान जाता है। पर अब जब वो यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे जैस्पर बताता है कि मैरी अपने बहन सोफी को ढूंढने के लिए विलियम के यहाँ जा रही है और क्योंकि वहाँ खतरा था इसलिए जोसेफ मैरी को ऐसा करने से रोकता है और फिर वो मैरी को लेकर खाने पर विलियम से मिलने के लिए पूछता है। जहाँ कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो रॉबिन के गले पर अचानक से चाकू लगा देता है। फिर वो मैरी से उसकी बहन सोफी को ढूंढने के लिए कहता है जिसे पहले ही रिचर्ड ने मार दिया होता है क्योंकि असल में विलियम और उसके दोनों बेटे ही वेयरवुल्फ है। दरअसल रिचर्ड और रॉबिन दोनों को ही लड़कियों को खाना पसंद था, इसलिए विलियम ऐसी लड़कियों को हर साल पसंद करके इनके लिए लाता था। साथ ही रिचर्ड ने ही फादर बेन की जान ली थी जो जोसेफ के सामने एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और दूसरी तरफ रॉबिन भी वेयरवुल्फ में बदलकर मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ जब विलियम और जोसेफ आपस में लड़ रहे होते तभी वहाँ पर राजा के सिपाही जोसेफ को पकड़ने आ जाते क्योंकि अगाथा जब उनके पास पहुंची तो वहाँ उसने जोसेफ के वांटेड पोस्टर्स को देखा जिसके बाद वो उन्हें यहाँ ले आई ताकि ये लोग जोसेफ को पकड़ सके। वहीं इधर मैरी भी रॉबिन को वेयरवुल्फ के रूप में देखकर बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ विलियम वेयरवुल्फ बने रिचर्ड और रॉबिन से जोसेफ सहित बाकी सभी को मार डालने का आदेश देता है ताकि कोई भी विलियम की सच्चाई के बारे में ना जान पाए। वहीं इधर जोसेफ अगाथा से कह देता है कि वो जाकर मॉर्गोट और बाकी लड़कियों को वेयरवुल्फ के बारे में सावधान कर दे। दूसरी तरफ मैरी को भी होश आ चुका था इसलिए वो चुपचाप विलियम के घर से भाग जाती है। साथ ही जब जोसेफ वहाँ सिपाहियों के साथ एक जगह रुका होता है कि तभी इनके ऊपर रिचर्ड और रॉबिन अपने वेयरवुल्फ के रूप में हमला कर देते हैं। वो सभी को तो मार डालते हैं लेकिन तब तक जोसेफ वहाँ से भाग चुका होता है। वो अब भागकर सीधा मॉर्गोट और बाकी सब के पास पहुँचता है जहाँ जैस्पर भी मौजूद था और वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को बंद किए हुए थे। इसी बीच वहाँ दोनों वेयरवुल्फ आकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं जो किसी भी वक्त अंदर आ सकते थे, इसलिए अब जोसेफ बाहर जाकर खुद उनसे लड़ने का फैसला करता है। लेकिन वेयरवुल्फ बना रॉबिन अंदर आने में कामयाबी हो जाता है जिसे फिर सभी लड़कियां मिलकर बुरी तरह से मार डालती है। लेकिन बाहर जोसेफ और वेयरवुल्फ रिचर्ड के बीच अब भी लड़ाई जारी थी पर वो भी आखिर में रिचर्ड को मारने में कामयाब हो जाता है जिसे सही सलामत देकर मैरी खुश हो जाती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जोसेफ को इस गांव में जाते हुए देखते हैं जो अपने साथ मैरी को भी ले जा रहा होता है जिन्हें जाते हुए लॉर्ड विलियम देख रहे होते हैं। पर अब वो जोसेफ का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। डीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।